तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है इम्तियाज। कल मैंने सोच के बनाया था आईफोन XR का BGMI टेस्ट, आप सबके लिए काफी ज्यादा काम में आ सकता है, क्योंकि आप सब जो है अक्टूबर के अंदर आईफोन XR बाय करने की सोच रहे होंगे, लेकिन उतना कुछ खास रिस्पॉन्स उस वीडियो पे नहीं आया है। और उस वीडियो में मैंने जो है बोला था कि आईफोन 11 का भी जो मैं BGMI टेस्ट लेके आऊंगा, शायद आपको उस तरीके के वीडियोस पसंद नहीं है तो मैं ना ला पाऊं आईफोन 11 का। अगर फिर भी चाहते हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और जिन्होंने नहीं चेकआउट किया है आई बटन पे दे रहा हूँ, जाके आप चेकआउट कर सकते। तो ये है हमारा संडे Q&A वीडियो, जहां पे आपने लास्ट संडे Q&A में क्वेश्चंस पूछे थे, ये वीडियो में आज की जो है मैं आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आईफोन रिलेटेड या कुछ भी डाउट है, आपको कमेंट कर सकते हैं आप नेक्स्ट संडे Q&A वीडियो के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं, और जो लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट किए थे लास्ट जो संडे के दिन, उनके रिजल्ट्स भी मैंने निकाल दिए हैं। लास्ट में जो है हम देखेंगे कौन जो है हमारे विनर है। गिव अवे का क्या सीन है, सब चीज के बारे में हम थोड़ा वीडियो के आगे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। अगर वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एप्पल से रिलेटेड आपको उसी तरीके का कॉन्टेंट जो इस चैनल पे देखने के लिए मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, तो वीडियो को स्टार्ट करते। अच्छा, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे अपन मिस्टर जंप बॉय का भाई बोल रहे हैं कि ROG 5 और आईफोन 11 में किसकी बैटरी जो है बेस्ट है, और कौन सा फोन जो है 5 से 6 साल जो है ना यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ROG 5 जो है एक फुल फ्लैश गेमिंग स्मार्टफोन है, गेमिंग के अलावा दूसरा काम आप नहीं करते, देन जो है ROG 5 आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल एक ऑलराउंडर फोन चाहिए तो देन आईफोन 11 आप ले सकते हैं। आईफोन 11 में आपको जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी देखने के लिए मिलेंगे, ROG 5 में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल तक अपडेट्स आएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, लेकिन आईफोन 11 में आपको जो है कम से कम जो है 5 से 6 साल तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट जो है देखने के लिए मिलते हैं। और फुल फ्लश जो है ऑलराउंडर फोन है हमारा आईफोन 11, गेमिंग कर सकते हैं, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी आपको जो है बेहतरीन देगा, और कैमरा भी जो है नेक्स्ट लेवल है। मेरे हिसाब से आपको जो है ROG 5 की जगह आईफोन 11 लेंगे तो बेस्ट रहेगा, थोड़ा और बजट बढ़ सकता है तो आईफोन 12 लेंगे तो और जबरदस्त आप उस फोन को यूज कर पाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन रॉबिन सिंह का भाई पूछ रहे हैं कि ड्यूल सिम वाले आईफोन्स के जो मॉडल्स होते हैं उसमें ई सिम कैसे जो है वर्क करता है। तो देखिए भाई, जैसे नॉर्मली हमारा एक फिजिकल सिम हम लगाते हैं, फिजिकल सिम हम लगा ले सकते हैं, और हमारे जो ऑपरेटर होते हैं जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वो लोग आपको उसकी फैसिलिटी करके देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आपको जहां उनके स्टोर पे जाना पड़ेगा, वहां पे जो है प्रोसेस वगैरह करते हैं, एक दिन के अंदर जो है प्रोसेस हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ होती है वहां पे जाना, फिर उनका वेट करना, वो प्रोसेस वगैरह करते हैं। ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, जैसे हम नॉर्मल सिम्स वगैरह यूज करते हैं वैसे भी यही काम करता है, नेटवर्क वगैरह सेम आता है, लेकिन एक जो है इसमें फिजिकल सिम जैसे हम लगाते हैं वो नहीं लगा सकते। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन हाई ऑन हिमालयस का भाई बोल रहे हैं कि 5 वाट वर्सेस 18 वाट के चार्जेस है हमारे जब आईफोन को हम चार्ज करते हैं तो किसमें जो है ज्यादा बैटरी बैकअप होता है, और कौन सा फोन जो है कितने मिनट में वगैरह में चार्ज करता है, और क्या हम पावर बैंक से अपने आईफोन को चार्ज करते तो बैटरी बैकअप जो है हमारा कम होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता गाइस, आप कौन से भी वाट से चार्ज करें, आपके यूसेज पे जो है डिपेंड करता है, आप जैसा यूज करते हैं उस तरीके से जो है बैटरी ड्रेन होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर 18 वाट 20 वाट के चार्जर से आप चार्ज करते तो आपका जो फोन है वो जो है जल्दी गर्म हो जाता है, उससे जो है आपकी बैटरी हेल्थ पे भी जो है इफेक्ट पड़ता है। और रही बात कितने मिनट में, तो 5 वाट के चार्जर से हम चार्ज करेंगे तो कम से कम 3 घंटे तो आराम से लग जाते, और 18 वाट के चार्जर से चार्ज करते हैं 2 घंटे 15 मिनट में आपको फुल चार्ज करके ये देगा। रही बात आपके जो आपने बताया कि पावर बैंक से अगर चार्ज करते तो जो है बैटरी बैकअप कम मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके यूसेज पे जो है डिपेंड करता है, जैसे आप चार्ज करें, जैसे आप यूज करें उस तरीके से बैटरी जो है घटती है। तो गाइस अगला क्वेश्चन लेंगे अपन पीयूष राजपूत का भाई बोल रहे हैं कि इनका जो आईफोन 10R है उन्होंने सेल कर दिया है 7,000 रुपीज लॉस में होके, और भाई बोल रहे हैं कि इन्होंने प्लान कर रहे हैं कि बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 11 जो है परचेस करने का, क्या इनका एक गुड डिसीजन है और कौन सा कलर इनको जो है बाय करना चाहिए। देखिए पीयूष राजपूत भाई, आपने जो गलती कर दी है, 7,000 लॉस में आप क्यों उस फोन को बेचे। देखिए आईफोन XR और आईफोन 11 में जो है सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, मैंने जो है काफी सारे वीडियोस बना के आप सबको बताया है, शायद आपने चेकआउट नहीं किए, इसलिए बोलता हूं मैं कि जो कंपैरिजन वीडियोस होते हैं उसको डेफिनेटली चेकआउट करना। सिर्फ कैमरे के डिफरेंस के लिए आपने उल्टा जो है 7,000 लॉस कर दिया, फिर आप आईफोन 11 ले रहे हैं, इससे अच्छा आप जो है आईफोन 12 ले लेना या तो आईफोन 13 ले लेना, आपने जो इतने पैसे तो लॉस कर दिए, लेकिन आईफोन 11 लेके आप उतना जो है सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वही आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, वही डिस्प्ले मिलेगा, वही बैटरी बैकअप आपको मिलेगा, सिर्फ एक कैमरा जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से या तो आईफोन 12 आप ले लें,
बुरा मत समझना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बल्कि लेकिन 7000 रुपीस आप बता रहे क्यों, मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। आपने जो है अपने आईफोन XR बेच दिया है और एक साल उसको आप यूज करते हैं, बाद में जो 13 वगैरह पे अपग्रेड करते तो बेटर रहता, उतनी जरूरतें नहीं थी आपको मेरे ख्याल से। और कौन सा कलर बेस्ट रहेगा, तो अगर आप आईफोन 11 लेने के आप ठान भी लिए हैं तो व्हाइट मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आपने व्हाइट यूज किया है, उसकी जगह आप ग्रीन के लिए जाए, ग्रीन कलर काफी अच्छा है आईफोन 11 का। नहीं आपने जो है मन बना लिया कि मैं आईफोन 12 लूंगा तो उस पर आप जो है जो पैसिफिक ब्लू न्यू कलर है वो आप जो है ले सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, प्रभुजीत सिंह का भाई बोल रहे हैं कि विल आईफोन SE डिसकंटिन्यू, इफ नॉट शुड आई बाय। तो इन्हों बोल रहे हैं कि आईफोन SE जो है डिसकंटिन्यू होगा क्या, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, सिर्फ आईफोन XR ही डिसकंटिन्यू होगा इस साल के अंदर, और आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स जो है डिसकंटिन्यू होंगे। तो डेफिनेटली आप आईफोन SE जो है बाय कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि 2021 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए गाइज आप लोग जो है दूसरे वीडियोस भी जो है चेकआउट जरूर करना, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, इजी हो जाएगा भाई आपको डिसीजन लेने में कि कौन सा फोन मैं लूं। और रही बात और एक एक बात मैं आपको बोल रहा था कि आईफोन SE प्लस और आईफोन SE का भी आईफोन SE 3 का भी वीडियो जो है जल्दी आने वाला है, कल मैं शायद अपलोड करूंगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, वाजिद समेजा का भाई बोल रहे हैं कि आईफोन XR 85 बैटरी परसेंट पे इनको मिल रहा है 26,500 में, क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, काफी अच्छी डील है, अगर आपको 28,000 रुपीस में भी देता है तो अच्छी डील है। थोड़े दिन तक यूज करिए, एक साल यूज करिए, उसके बाद आप जो है बैटरी इसकी चेंज करा सकते। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, इमरान खान का भाई बोल रहे हैं कि जो प्रो मॉडल्स होते हैं जैसे आईफोन 11 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स जो डिसकंटिन्यू होते हैं, क्या एप्पल उसका प्रोडक्शन जो है स्टॉप कर देता है। तो डेफिनेटली जो प्रो मॉडल्स होते हैं, जब एप्पल कौन सा भी फोन जो है डिसकंटिन्यू जो है बोल देता है तो कंप्लीटली इसका जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर देता है। मार्केट में तो आपको मिल जाए, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप कर दी जाती है एप्पल के तरफ से। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, अनस खान का भाई बोल रहे हैं कि इन्हों जो है इनके मामू जो है आईफोन 13 प्रो मैक्स USA से लाने वाले थे, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे। अगर ये जो है अपने इंडिया से बाय करते आईफोन 13 प्रो मैक्स, जो कि अभी नहीं आया है, आने वाले की बात ही वो बता रहे हैं, तो क्या ये जो है महंगा पड़ जाएगा ऑफकोर्सली, और क्या इनको आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए या सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। तो देखिए अनस भाई, मैं काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि आप जो ऐसे फोन्स को आईफोन से कंपेयर मत करना, फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपके जो स्टोर्स होते हैं जैसे बजाज हो गया और जो भी स्टोर्स जो रीसेल करते हैं आईफोन्स वगैरह सैमसंग के, वहां पे जाइए, एक आधा घंटा दोनों फोन को हाथ में होल्ड करके दोनों फोन को जो यूज करके देखिए कि कौन सा फोन जो है आपको बेटर दिख रहा है, उस टाइम पे आपका जो डिसीजन आप जो है ले सकते हैं। अगर मेरी भी बात बताऊं तो आईफोन 13 प्रो मैक्स लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफी अच्छे नए फीचर्स उसके अंदर आने वाले हैं, जैसे कि 120Hz स्मॉलर नॉच, काफी कुछ जो है इसके अंदर आने वाला है, बेटर कैमरास। तो मेरे हिसाब से आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स ही लेना चाहिए। अगर आप नोट 20 अल्ट्रा ले भी लेते एक साल तक यूज करेंगे, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, लैग वगैरह करना तो स्टार्ट कर देता है, क्योंकि घटिया जो है एक्जिनोस का प्रोसेसर यूज करता है सैमसंग इंडिया के अंदर, बाहर तो नहीं करता, बाहर वहां पे जो है मीडिया प्रोसेसर जो क्वालकॉम के प्रोसेसर होते वो यूज करता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है एक्जिनोस के प्रोसेसर जो है यूज करता है। तो मेरे ख्याल से आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स ही जो है लेना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, वत्साल पटेल का भाई बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन एयरपॉड्स 2 और एयरपॉड्स प्रो। तो देखिए भाई ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो 23,000 के एयरपॉड्स प्रो आते हैं बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इंडिया के अंदर ये प्राइस में लेने के लिए, इससे अच्छा आप एयरपॉड्स 2 लेंगे तो बेटर रहेगा। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा और वेट करें, एयरपॉड्स 3 भी आने वाले। डिफरेंस की मैं बात करूं तो आपको जो है नॉइस कैंसिलेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है एयरपॉड्स प्रो के अंदर, वो जो है उतना आप यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप म्यूजिक लेवर हो, सिर्फ म्यूजिक की सुनते हो, ज्यादा आपको जो है म्यूजिक से काम वगैरह रहता है, तो देन जो एयरपॉड्स प्रो आप ले सकते हैं, क्योंकि जो बाहर की सराउंडिंग की आवाजें हैं वो उसको कैंसिल कर देता है, बेटर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है एयरपॉड्स प्रो के अंदर कंपेयर टू एयरपॉड्स 2। लेकिन मेरे को तो उतना जरूरत नहीं लगती, अभी आप पे डिसीजन में छोड़ देता हूँ कि आप जो है कौन सा लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन, अभिषेक का भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 12 की जो कैमरा क्वालिटी है सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जरिए एप्पल जो है स्लो कर देता है क्या आईफोन 13 लॉन्च होने के बाद में, और वॉच सीरीज 6 का प्राइस क्या हो सकता है सीरीज 7 आने के बाद में। तो सबसे पहली बात, सीरीज 6 का प्राइस थोड़ा बहुत कम होगा 1-2-3 हज़ार पे सीरीज 7 आने के बाद में। और रही बात दोस्तों क्या कैमरा क्वालिटी कम कर देता, तो ऐसा नहीं करता गाइस, ऐसा करे तो उसको जबरदस्त ले लेते अपन, तो ऐसा एप्पल नहीं करेगा।
लेकिन थोड़ा बहुत वो स्ट्रैटेजी यूज करता है कि जो है ये नए फीचर्स आगे ये नए फीचर्स आगे बोल के जो है अपने को लालच देता है कि आप जो अपग्रेड करें, लेकिन हम स्मार्ट पीपल से आराम से 3-4 साल तो हम एक आईफोन को तो यूज करते, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कैमरा क्वालिटी में या परफॉर्मेंस में वगैरह में जो है कम कर देता, ऐसा तो नहीं है, पहले होता था ऐसा, लेकिन अभी ऐसा जो सीन है वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन ट्रेंडिंग वीडियोस का। भाई बोल रहे हैं कि आईफोन 11 के बॉक्स में क्या मिलेगा बिग ब्लिंक डे सेल में। तो देखिए भाई आईफोन 11 के सेल में आपको एक चार्जर और एक ईयरपॉड्स तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको आईफोन 11 ही मिलेगा। इसके एक दो एप्पल के स्टिकर मिलेंगे जो कि हमारे कुछ भी काम में आने वाले नहीं है। तो देखिए भाई अगर एप्पल को देना ही होता तो पहले से ही दे देता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को तो डर लग रहा है कि जब 13 आएगा तो शायद एप्पल उसके अंदर फोन ना दे के सिर्फ डब्बा दे दे, फिर फोन अलग से खरीदने के लिए बोलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपन कृष्णाकांत सिंह का, और इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है। काफी सारे क्वेश्चंस मैं अगर लूंगा तो जो है ज्यादा बड़ी वीडियो है, जो है इंटरेस्ट आपको नहीं आता, तो इसलिए जो है कम क्वेश्चंस लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिसके मैं जवाब नहीं दे पाया उनको जो है मैं कॉमेंट के जरिए रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और कल जो है अपन लाइव करेंगे जहां पे आप वहां पे भी मेरे से जो है क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा बार जो मेरे को आता है और काफी सारे वीडियोज में बता चुका हूँ, फिर भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ आईफोन 11 64GB वेरिएंट आफ्टर आईफोन 13 लॉन्च। तो देखिए भाई काफी सारे वीडियोस में बता चुका, फिर भी यहाँ पे बोल देता हूँ क्योंकि आप लोग पूछेंगे, मैं जितने बार आप पूछेंगे उतने बार मैं जो है बताऊंगा आप सबको, मेरा काम ही यही है। आईफोन 11 64GB का प्राइस अक्टूबर के बिग बिलियन डे सेल में उसका प्राइस जो है आफ्टर कार्ड डिस्काउंट लगा के 40,000 रुपीज़। अगर कार्ड किसी के पास नहीं है तो एक 2,000 रुपये एक्स्ट्रा समझ लीजिए, 42,000 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 128GB आपको कार्ड लगा के जो है 45 तक मिल सकता है, अगर कार्ड नहीं है तो 1-2,000 रुपये ऊपर जो इसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा। और आईफोन 12 64GB का प्राइस 60,000 तक मिल सकता है, वही कार्ड डिस्काउंट लगा के 1-2,000 ऊपर अगर कार्ड नहीं है। और आईफोन 12 128GB का प्राइस आपको जो है 65,000 तक मिल सकता है कार्ड डिस्काउंट लगा के, अगर कार्ड नहीं है तो जो है 1-2,000 रुपये अलग से आप समझ लेना। आईफोन 10R आपको 35,000 तक मिल सकता है कार्ड डिस्काउंट लगा के, वही कार्ड वाली गिच्ची। और आईफोन SE 2020 आपको 25 से लेके 26,000 तक मिल सकता है, अगेन कार्ड लगा के, अगर कार्ड नहीं है तो 1,000 रुपये एक्स्ट्रा समझ लिया। बाकी के आईफोन 11 प्रो तो बिल्कुल भी आप परचेस मत करना, उसकी जगह आईफोन 12 परचेस करना। आईफोन 12 प्रो 12 प्रो मैक्स का प्राइस भी जो कम से कम 10 से 15,000 जो है ड्रॉप होगा, तो वो भी आप जो है परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको आपका जो है आंसर मिल गया होगा। तो गाइज अब बात करते हैं गिव अवे के बारे में, गिव अवे क्या है और कैसे पार्टिसिपेट आपको करना है। देखिए गाइज हम जो है हर संडे 5 जो है लकी व्यूअर को 100 रुपीज ईच कुछ है पेटीएम कैश गूगल पे फोन पे जो भी आपका नंबर होगा उसको हम दे रहे हैं। तो लास्ट संडे हमने जो है दिया था और इस संडे भी 5 विनर्स हमने निकाले हैं। सबसे पहले विनर है हमारे धर्म कुमार, नेक्स्ट है विक्रम सिंह, और जो हमारे थर्ड विनर है वो चरण तेजा, फोर्थ विनर है रेंजर प्रो एक्स, और हमारे जो फिफ्थ विनर है वो मारिया। तो 5 विनर्स जो भी है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना जो पेटीएम नंबर गूगल पे नंबर वो डीएम कर सकते, और जो लोग नए उनको रूल्स ये है कि चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा, देन आप जो है इसमें पार्टिसिपेट इजीली कर सकते। हालांकि मानता हूँ कि अमाउंट छोटा है और मेंबर्स भी छोटे, लेकिन जैसा जैसा हमारा चैनल ग्रो होगा अमाउंट भी बढ़ाएंगे और मेंबर्स को भी हम ज़्यादा जो है ऐड करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ भी क्वेश्चन है तो यहाँ पे साइड में दे रहा हूँ, मेरी आईडी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, जाके आप जो है मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है पर्सनल तो डीएम करो भाई, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई वगैरह जो है देता हूँ। जो भी क्वेश्चन है अगले संडे क्यों ने वीडियो के लिए कमेंट आप कर सकते हैं। और आईफोन XR का BGMI टेस्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, और आईफोन 11 और आईफोन 12 के बीच में कंफ्यूज है तो लेफ्ट पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।